Hello everyone. For our backend part of code, we need to start Django. तो Django को सबसे पहले Django क्या है? Django ये है Python framework for web development. ठीक है, Python एक backend की language है. अगर आपने इसको connect करना है HTML, CSS, Bootstrap, frontend के साथ, तो इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए जो कि है Django. जैसे नेम फ्रेमवर्क से क्या पता चलता है हमें कि इसमें बहुत सारा कोड जो है वो बिल्ट इन होगा. फ्रेमवर्क की यही डेफिनेशन होती है कि उसमें हमें बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारा कोड, क्लासेस, फंक्शंस हमें प्री डिफाइंड मिल जाते हैं. ज्यादा हमें कुछ कोड नहीं करना होता, बिल्ट इन को हम यूज करके हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा प्रोजेक्ट है, वो क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में आप ज्यादा थ्योरी इन डिटेल, हम डेप्थ में थ्योरी में नहीं जाएंगे, तो आपने इसके बारे में सर्च करना है कि आप इसके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लेना है इसकी जो थ्योरी पार्ट है. तो मेन आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो Django है एक फ्रेमवर्क है बैकएंड का. ठीक है, पाइथन का फ्रेमवर्क है फॉर वेब डेवलपमेंट. और कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज हैं, या बोल सकते हो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसके, लाइव प्रोजेक्ट वेयर इट इज यूज्ड. या बोल सकते आप who is using Django. तो आपने बहुत ही फेमस वेबसाइट इंस्टाग्राम, ऐप नहीं, जो वेबसाइट है इंस्टाग्राम की, वो भी बनी हुई है यूजिंग Django. बिटबकेट जो हम यूज करते हैं उसमें भी बैकएंड पे Django यूज हुआ है, पाइथन यूज हुई है, और पिंटरेस्ट उसमें भी बैकएंड पे Django यूज हुआ है. तो पहले हम करेंगे कि इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, और मैं जो भी यहाँ पे कर रही हूँ आपने ये स्टेप बाय स्टेप करके देखना है. ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप स्काइप कर देना. तो पहले हमने इसको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल के लिए हम यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ मैं. आपने यहाँ पे लिखना है pip install Django. ठीक है, pip install Django ये कमांड लिखनी है आपने और एंटर करनी है. ठीक है, जब आप एंटर करोगे तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है ये स्टार्ट हो जाएगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. आपको इसके लिए नेट चाहिए होगा, इंटरनेट के लिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं pip भी. और Django इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है pip install Django. ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया. अगर आपने चेक करना हो कि ये हुआ है या नहीं हुआ है डाउनलोड, अभी ये हो रहा है इंस्टॉल यहाँ पे. इसी के साथ देखो ये कुछ पैकेजेस हुए हैं इंस्टॉल, सीक्वल लाइट हुआ है, सीक्वल पास हुआ है. तो ये अभी इसकी जो वीएल फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, टाइम लग रहा है थोड़ा इंस्टॉल होने में. अगर किसी के पास वो एरर आई pip इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कीवर्ड, इट मींस कि जो आप पाइथन है, जो आपने पाइथन को डाउनलोड किया हुआ है, वो आपने पाथ में नहीं ऐड की, पाइथन को आपने ऐड टू पाथ नहीं किया हुआ, इसीलिए वहां पे एरर आ जाती है कि pip इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कीवर्ड. इन दैट केस तो आपने क्या करना है कि pip जो आपकी पाइथन है, पाइथन को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है. और जब जो ऑप्शन आती है ऐड टू माय पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल, उस पे चेक करना है आपने, तो उसके बाद ये वर्क करेगा. हम इसमें, मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे हम काम करते, क्या क्या इसमें यूज होता है. सबसे पहले हम इसमें एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. प्रोजेक्ट ये नहीं जो आप बना रहे हो अभी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो नहीं होता है. जो Django का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है. पहले इसमें हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंस्टॉलेशन, ये हो गया इंस्टॉल करने के लिए
ये अगर आपने इंस्टॉल जाएंगे और देन हम इसमें ये आपने जो इंस्टॉल है दोबारा दोबारा नहीं करना, सिंगल टाइम ही होगा। बट जब आपने ये देखो ये इंस्टॉल हो गया, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिप लिस्ट के बाद आपके जो भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड होंगे आपके सिस्टम में उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो हम इसमें आप चेक कर सकते हो कि इसमें जेंगो भी आ गया होगा, चेक करोगे ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, डी से यहाँ पे होगा जेंगो। ये देखो ये हो गया जेंगो, जेंगो का जो वर्जन आया यहाँ पे 3.0.4 आया है, ठीक है। तो इट मींस कि जो जेंगो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है, यहाँ पे भी दिया हुआ है जेंगो का कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेंगो में प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे बनता है जेंगो में, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है, पहले तो आपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट या नेविगेट फोल्डर, जैसे हम पाइथन में करते थे कि जहाँ भी आपने फाइल को सेव करवाना होता है पहले हम सीडी करके उस फोल्डर तक जाते हैं, देन वहाँ पे फाइल को रन करते हैं। तो पहले आपने सिलेक्ट करना है पाथ कि जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड लगानी है। चलो मैंने मेरा जो ये मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रही हूँ, देन इनसाइड यहाँ पे है डी डॉक्यूमेंट्स, कहीं भी बना लो आप, जो भी आपके ड्राइव है एफ सी डी ड्राइव जहाँ भी बनाना है, ठीक है। तो पहले आप उस ड्राइव में जाके यहाँ पे देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में ये जेंगो कोड्स नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं ये नोट्स सेव कर रही हूँ, इसी में मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो पहले मुझे इस पाथ तक जाना है, ये हमने किया हुआ है वैसे क्लास में भी कि कैसे आपने पाथ को नेविगेट करना है। यहाँ पे मैंने कमांड शेल ओपन किया हमारा, तो ये स्क्रीन क्लियर स्क्रीन के लिए होता है CLS, मैं क्लियर स्क्रीन कर दी मैंने। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में जाना है मैंने CD डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने ड्राइव को चेंज करना होता है ये सी ड्राइव में है, अगर डी ड्राइव में जाना होता तो हम यहाँ पे सी यहाँ पे लिखते हैं डी एंड कॉलम, तो ये ड्राइव चेंज हो जाता है। यहाँ पे जिस भी फोल्डर में जाना है तो आप सी डी वगैरह करके कर सकते हो, बट हमने सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स में मैंने इस फोल्डर में जाना है जेंगो कोड्स में। तो हम क्या करेंगे, अगेन मैंने यहाँ पे लिखा सी कॉलन, ड्राइव चेंज हो गया, अब यहाँ पे सी डी जेंगो कोड्स, क्लियर जेंगो कोड्स एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे आपने करना है ये कमांड नोट करनी है आपने ध्यान से, पाइथन सॉरी जेंगो हाइफन एडमिन, इसमें स्पेस नहीं आएगी हाइफन आए एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, बहुत सिंपल सी कमांड है। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हो आप, प्रोजेक्ट का नेम मैंने रख लिया यहाँ पे माय प्रोजेक्ट। ये आपने ध्यान से करना है क्योंकि जो जो भी अभी आप अपने प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड के डिजाइन बना रहे हो उनको हमने इसी में आगे इसी में कंबाइन करना है, बैक एंड पे लेके आना है उसको, अभी हमारा फ्रंट एंड हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से करना है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया माय प्रोजेक्ट एंड एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप इस फोल्डर में देखोगे जो हमारा जेंगो कोड्स फोल्डर है, यहाँ पे एक और फोल्डर आ गया होगा और गेस इसका नेम क्या होगा, जो मैंने इसका नेम रखा है माई प्रोजेक्ट, तो इसके इनसाइड गए ये आ गया माई प्रोजेक्ट, ठीक है। ये खुद से नहीं क्रिएट करना आपने फोल्डर, ये कमांड लगाओगे जिस भी डायरेक्टरी के अंदर ये कमांड लगाओगे उस डायरेक्टरी में अपने आप वो फोल्डर क्रिएट होगा। जैसे हमने जेंगो कोड्स है, जेंगो कोड्स के इनसाइड ये मैंने कोड को इसमें रन किया इस कमांड को, तो यहाँ पे आ गया माय प्रोजेक्ट, क्लियर। अब आप इसको ओपन करके देखोगे इसमें चेंज कुछ नहीं करना, डिलीट नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, बट देखना कि इसमें ये
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि ये एक माई प्रोजेक्ट है, इसके अंदर माई प्रोजेक्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात है कि क्या होगा, जो आपने जहाँ पे कमांड रन की, ठीक है, उस डायरेक्टरी में फोल्डर आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पे आ गया माई प्रोजेक्ट, क्लियर। देन माई प्रोजेक्ट के इनसाइड एक और फोल्डर आएगा उसी सेम प्रोजेक्ट नाम का, जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया सेम यहाँ पे आएगा, और एक फाइल आएगी manage.bin, इसमें कोड जो होगा पहले से ही इन्होंने किया हुआ है। अगर आप देखोगे इसमें ये कोड जो होगा पहले से लिखा हुआ है, चेंज आपने इसमें कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट। अब आपने, मैं इसमें आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैं यहाँ पे लिख रही, कमांड क्या थी हमारी, Django admin start project and then project का नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम आ गया। देन जब आप ये करोगे तो उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम इस डायरेक्टरी में एक फोल्डर बन जाएगा, उसके इनसाइड क्या होगा, एक तो सेम नेम का फोल्डर होगा और एक फाइल होगी manage.py नाम, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होंगी, कौन कौन सी, एक तो होगी init.py फाइल, सभी पाइथन फाइल है ये, तो init फाइल होगी, सेटिंग्स होगी, सेटिंग्स फाइल settings.py, ठीक है, urls.py होगी एंड wsgi.py फाइल होगी। ये इसमें कुछ फाइल्स आई हैं, init आ गया, सेटिंग्स आ गई, URLs आ गई, WSGI आ गई, ये एक न्यू फाइल ऐड हुई है Django 3 के साथ, ASGI फाइल ये भी आ गई। इनको आप रन करके देखोगे, ओपन विद कोड, इसमें कुछ कोड किया होगा बट हमने इसको कुछ नहीं चेंज करना, बस आपने इसी को sgi.py, बस हमने देखना है कि इसका क्या 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 कौन सा फाइल स्ट्रक्चर क्या। इनिट क्या होती है फाइल, जो इनिट फाइल है ये, जैसे आपने हमने उसमें भी किया था ये, जब हमने मॉड्यूल्स वाला पार्ट किया था उसमें हमने नेम मेन वो भी क्या था, उसमें भी डबल अंडरस्कोर लगता है, और जब हमने ऊप्स की थी याद होगा अगर आपको, ऊप्स में हमने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर किया था, ठीक है। इनिट इसमें क्या था, कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, और डिस्ट्रक्टर कौन सा था, डबल अंडरस्कोर del। तो हमने अभी कंस्ट्रक्टर, ये जो है जो हमारा प्रोजेक्ट नेम ये फोल्डर है init.py, अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक फाइल है। ओपन विद कोड, मैंने इस फाइल को ओपन किया, इसमें एक भी यहाँ पे देखो कुछ भी, कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी कोड नहीं, ब्लैंक फाइल है। बट जो जिस भी फोल्डर में आप init फाइल, init.py फाइल ऐड कर देते हो तो वो पूरा का पूरा फोल्डर जो है पाइथन का पैकेज बन जाता है, ठीक है। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ये हमने क्लास में वैसे किया हुआ है कि जो भी .py फाइल होती है वो क्या होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, हमने इम्पोर्ट वगैरह भी किया था उसको, ठीक है। तो ये सभी मॉड्यूल्स हैं, अगर आपने इस पूरे फोल्डर को मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, पूरे फोल्डर को आपने कहीं और यूज करना है, मॉड्यूल बनाना है, तो उसके लिए इसमें init फाइल ऐड कर दो, ठीक है। तो इस ये फाइल्स को आप इसके आउटसाइड भी इसको इम्पोर्ट, पूरे माई प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हो आप। तो ये फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए इसमें हम init फाइल ऐड कर देते हैं बस इनकी। और इसकी क्या वर्किंग है, सेटिंग्स में जो भी आपने प्रोजेक्ट्स की सेटिंग करनी है, ये आपने जब भी आप इसमें कुछ न्यू ऐड करो, कोई ऐप ऐड करो, टेम्पलेट, कुछ भी न्यू चीज़ ऐड करो, ये आपने ध्यान रखना है कि आपने सेटिंग्स को चेंज करनी है। नेम से ही पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है, settings.py means प्रोजेक्ट की सेटिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। URLs में जो भी उसका URL रिलेटेड होता है, कि जैसे हम देखते हैं abcd.com है, जैसे abcd.com हमारी वेबसाइट का नेम है,
स्लैश होम लिखने से होम पेज आ जाए, स्लैश अबाउट लिखने से अबाउट पेज आ जाए, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये URL फाइल डिसाइड करेगी, ठीक है। WSGI और ASGI ये हम इसको डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, अभी के लिए हम इनको यूज नहीं करेंगे, जब ये इनका हम रिक्वायरमेंट होगी मैं बताऊंगी आपको। वैसे इसको जो WSGI है इसको हम यूज करते हैं जब आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट आपका बन गया, आपने उसको ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट करना है, सर्वर पे ऑनलाइन करना है, तब इसमें हम चेंज करते हैं WSGI फाइल में। चलो ये तो इसका हो गया फोल्डर स्ट्रक्चर। आपने इसको क्या करना है, आपने इसके इनसाइड जाना है, जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है इसके इनसाइड जाना है। तो क्या लिखोगे, CD my project, CD my project, इसके इनसाइड चलेंगे। अब हमने इस फोल्डर के इनसाइड जो मतलब हमने ये वाली फाइल रन करनी है manage.py फाइल, राइट। यहाँ पहले हम यहाँ पे थे, इस लोकेशन में थे Django कोर्स में, अब हम यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ से ये फाइल रन हो जाएगी manage.py, इसी फाइल के थ्रू manage.py जो फाइल है सर्वर को ऑन करने के लिए हम यूज करते हैं, और भी इसके बहुत सारे काम है, आपने डेटाबेस क्रिएट करने, डेटाबेस में यूजर्स क्रिएट करने, तो और भी इसके बहुत सारे आगे फंक्शंस आएंगे वो हम करेंगे, बट फॉर नाउ आप इसको हम यूज करेंगे सर्वर को ऑन करने के लिए। तो आपने यहाँ पे लिखना है python manage.py run server, run server, enter। जब आप ये कमांड रन करोगे तो उसके बाद ये देखो ये सर्वर रन हो गया, ये लोकल होस्ट है आपका, लोकल सर्वर है, इसकी ये डोमेन है, एड्रेस http://127.0.0.1:8000। ये ऑलवेज यही रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे आप, जिस भी प्रोजेक्ट के Django का प्रोजेक्ट बनाओगे जो भी, उसके इनसाइड जाके python manage.py run server करोगे तो ऑलवेज यही वाला एड्रेस मिलेगा आपको, ठीक है, एज इट इज। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपने कहाँ पे पेस्ट करना है, URL है तो ब्राउजर में पेस्ट होगी। मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो URL यहाँ पे पेस्ट कर रही थी, कंट्रोल एंटर किया तो ये देख क्या आ गया, दिस इंस्टॉल वर्क्ड सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस। तो कांग्रेचुलेशंस, हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो बन गया, ठीक है। तो इसके इनसाइड अब हमने इसमें पाइथन और HTML को कैसे कनेक्ट करना है वो भी करेंगे आगे। फॉर नाउ हमारा जो मेन प्रोजेक्ट Django इंस्टॉलेशन और उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना ये सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और ये जो है कब तक चलेगा, ये देखो ये सर्वर ऑन है, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। अब ये सर्वर मतलब ऑन है, अगर आपने सर्वर को ऑफ करना है तो आप कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंट्रोल एंड ब्रेक प्रेस कर सकते हो आप सर्वर को क्विट करने के लिए। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया और ये देखो ये हम उसके बाहर आ गए, सर्वर के बाहर आ गए। पहले रन करने के लिए कौन सी कमांड थी, python manage.py run server, इसको भी मैं नोट्स में लिख देती हूँ सो दैट आप को कोई प्रॉब्लम ना आए जाए। यहाँ पे तो रन सर्वर, सर्वर को ऑन करने के लिए आपने पहले क्या करना है, सीडी प्रोजेक्ट का नेम, उसके इनसाइड जाओगे, देन उसके इनसाइड जाके आपने क्या करना है, ये वाली कमांड लगानी है python manage.py run server, क्लियर है। अब अगर इसको आपने ऑफ करना है सर्वर को क्विट करने के लिए, सर्वर को क्विट करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कंट्रोल एंड सी, ठीक है, तो सर्वर जो है वो क्विट हो जाएगा। जब सर्वर हमारा क्विट हो गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये नहीं शो होगा आपको, यहाँ पे क्या आ गया, दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब ये आपको आउटपुट कब तक शो होगी, जब तक ये सर्वर यहाँ पे ऑन रहेगा, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। आउटपुट आपको कब तक शो होगी,
जब तक यहाँ पे सर्वर ऑन है, अगर वो ऑफ है सर्वर, हमने ऑन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट आपको शो नहीं हो। अब अगेन हमने वो आउटपुट देखनी है तो क्या करेंगे, ऑलवेज आउटपुट के लिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है, एंटर करेंगे, वो एड्रेस आ गया, ये एड्रेस आ गया। और कॉपी करने के लिए भी हम कंट्रोल सी यूज करते हैं, ये नहीं कि आप टू टाइम्स कंट्रोल सी प्रेस कर दो तो सर्वर क्विट हो जाते हैं, कंट्रोल सी से ही कॉपी होता है, कंट्रोल सी से सर्वर क्विट होता है। ये देखो मैंने टू टाइम कंट्रोल सी कर दिया तो ये क्विट हो गया, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। जब ये क्विट हो गया तो आउटपुट शो नहीं आएगी। आउटपुट शो कब होगी, जब तक यहाँ पे सर्वर ऑन है। और अगर आपने कईयों के ब्राउजर्स में प्रॉब्लम होती है कि कंट्रोल सी यहाँ पे सॉरी कईयों के कमांड शेल में होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है, ओएस में होती है प्रॉब्लम, कि उनमें जो कमांड होता है सीएमडी होता है ना कोंडा चाहे, उनमें सिलेक्ट एंड कॉपी नहीं होता, तो आप क्या करो इन दैट केस, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल सी ये करने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा यूआरएल ऑलवेज। ब्राउजर में जाओ, यहाँ पे लिखो http://127.0.0.1:8000, ये ऑलवेज यही रहेगा, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। इसके बाद आपकी आउटपुट जो है आपका सर्वर पेज, सर्वर का जो वेलकम पेज है हमारा जेंगो का जो वेलकम पेज है आपको वो शो हो जाएगा यार, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अब इसके इनसाइड हमने एक ऐप क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अब इसके इनसाइड हमने ऐप क्रिएट करना है। ऐप क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें इसको कट करना पड़ेगा। अब ऐप क्रिएट करने के लिए आपके पास टू ऑप्शंस हैं, या तो आप इसमें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई से कर लो, या जो हमने अभी किया था जेंगो एडमिन से, जैसे हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, वैसे ही होता है जेंगो एडमिन स्टार्ट है। और जैसे एक जेंगो का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जेंगो का एक प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐप हम अलग अलग ऐप्स बना सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आप कितने भी ऐप्स बना सकते हो, ऐप वन, ऐप टू। ये क्यों यूज होता है, ऐप थ्री, ऐप फोर, वैसे एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप भी बन सकता है, बट जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो एक सिंपल प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के इनसाइड हम हर एक मॉड्यूल के लिए अलग ऐप बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक लाइक हमने कोई वेबसाइट बनानी है कि चैट वेबसाइट है, एक तो है हमने उसमें करना है कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए हमने अलग ऐप बना दिया, जो ऐड फ्रेंड की ऑप्शन है वो सारी चीजें। और एक है चैट सिस्टम, मैसेजेस आए, मैसेजेस आ रहे हैं जो मैसेजेस सेंड करने, उसके लिए हमने अलग बना लिया। या फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने कोई कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसमें लाइब्रेरी के लिए हमने अलग ऐप बना लिया, ठीक है, अकाउंट सेक्शन के लिए अलग ऐप बना लिया, एडमिशंस के लिए हमने अलग ऐप बना लिया। तो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ ऐप्स, ठीक है, तो जितने मॉड्यूल उतने आप ऐप्स बना सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जितने भी सभी डेवलपर्स हैं सभी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, एक को एक डेवलपर को दूसरा ऐप दे दो, एक को दूसरा ऐप दे दो, तो ऐसे अलग इसमें इजीली डिवाइड हो जाते हैं हमारा वो। ये नहीं है कि वो ये जो है ऐप्स हैं इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ये नहीं है कि एक ये देखेगा कि अगर ये कंप्लीट हुआ फिर हम ये बनाएंगे, तो जो ऐप है ऐप आप अलग अलग, एक बड़ा बड़ी वेबसाइट है उसको आपने अलग अलग ऐप्स में डिवाइड कर दिया, और एट द एंड जब सभी ऐप्स ये सभी बन गए कंप्लीट हो गए तो उसको इंटीग्रेट करके पूरा एक बड़ा हमारा प्रोजेक्ट बन गया।
एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्स हो सकते हैं, क्लियर? ओके, अब ऐप कैसे क्रिएट करना है? फॉर नाउ अभी तो हम एक ही ऐप क्रिएट करेंगे। ऐप क्रिएट करने के लिए मैंने अभी बताया, जैसे आपको टू ऑप्शंस है हमारे पास, जेंगो प्रोजेक्ट, जेंगो प्रोजेक्ट कैन हैव डिफरेंट एप्स, या बोल सकते हो एन नंबर ऑफ एप्स, ठीक है? तो ऐप क्रिएट करने के लिए टू क्रिएट अ ऐप, टू क्रिएट एन ऐप हमने क्या करना है, पाइथन टू कमांड से, दोनों बहुत अब सेम ही है, कोई भी यूज कर सकते हो। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, जैसे हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था, स्टार्ट ऐप, देन ऐप का नेम, ठीक है? सेकंड कमांड कौन सी है, जेंगो एडमिन, इसमें सेम स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम, पहले हमने ऐसे किया था, जेंगो एडमिन से बनाए थे हमने प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम सेम, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, देन ऐप नेम, सॉरी नॉट प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऐप। अगर सिंपल है बहुत कमांड, प्रोजेक्ट बनाना है तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, ऐप बनानी है तो जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, ऐप नेम, या आप पाइथन मैनेज डॉट पी वाई फाइल से भी बना सकते हो, python manage.py start app app name, दोनों में से कोई भी आपको जो भी इजी रहे, जो भी याद रहे, आप वो कमांड यूज कर सकते हो, दोनों की सेम ही फंक्शनैलिटी है। और ये एप्स ऑलवेज कहाँ पे बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, प्रोजेक्ट के इनसाइड बनेगी, प्रोजेक्ट फोल्डर के इनसाइड बनेगी, इनसाइड प्रोजेक्ट बनेगी, मतलब कि क्या आपने क्या करना है, सिंधी प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, उसके अंदर बनेंगे एप्स। तो यहाँ पे गेन ये मैंने ओपन किया टर्मिनल, यहाँ पे हम ऑलरेडी ऐप के अंदर है, माय प्रोजेक्ट के अंदर है, और बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे एक और है ना प्रोजेक्ट का फोल्डर, यहाँ पे नेविगेट कर लेते हैं, ये नहीं करना आपने, जो हमारा मेन है प्रोजेक्ट उसके इनसाइड जाना है, यहाँ पे नहीं जाना, जहाँ पे हमारी जो मेन है ट्री है, हमारा रूट है हमारे ट्री का मेन प्रोजेक्ट है, इसके इनसाइड जाना है, जहाँ पे ये मैनेज पी वाई फाइल है। और जब देखो हमने सर्वर को रन किया तो सीक्वलाइट की फाइल बन गई अपने, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट है, देन ऐप नेम, यहाँ पर देख सकते हो माई ऐप, एंटर किया, अब चेक करा कहाँ करोगे, फोल्डर के अंदर जाके देखोगे, माय प्रोजेक्ट के अंदर ही, हाँ ये देखो ये था हमारा माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट के इनसाइड गए तो ये आ गया माय ऐप, इसके अंदर अगेन ये सब फाइल्स होंगी, फाइल्स को आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने बस इनको क्रिएट करना, फाइल्स का हमने क्या करना है, इनका क्यों अपडेट करनी है, कौन सी फाइल अपडेट करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फॉर नाउ आपने बस प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ऐप क्रिएट करना है, सर्वर को रन करना है, दैट्स इट। और इसके दो कमांड्स है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। और ऐप क्रिएट करने के बाद आपको कौन कौन सी फाइल्स मिली है, यहाँ पे है ऐप नेम, ऐप नेम के इनसाइड कौन कौन सी फाइल्स आई, एक तो है init.py फाइल, सेम इसको मॉड्यूल बनाने के लिए, इसको पैकेज बनाने के लिए फोल्डर को init.py फाइल यूज हुई है। अगेन ये भी एक एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर आप देखोगे एम्प्टी है, इसमें कुछ भी कोड नहीं होगा, ब्लैंक फाइल है ये, बस इसको इनिशियलाइज कर लिए बेसिकली, ठीक है। Then init.py फाइल है, और कौन सी फाइल मिल रही है हमें, admin.py,
इसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस टेबल्स को रजिस्टर करते हैं, मतलब जो भी आप हम डेटाबेस बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट्स का, डेटाबेस का जो भी एड एक एडमिन पैनल बनता है। और इसमें पाइथन में प्रोजेक्ट बनाने का बेनिफिट ये है कि इसमें जो एडमिन पैनल है हमें बिल्ट इन मिल जाता है, ठीक है। तो हमें एडमिन पैनल अलग से नहीं बनाना पड़ता, अलग के हमें खुद से एडमिन पैनल को डिजाइन करना पड़ेगा। आपके प्रोजेक्ट्स का एडमिन पैनल जो है वो बिल्ट इन होगा, ठीक है। तो ये एडमिन डॉट पी वाई में अगर आपने उसको एडमिन पैनल में कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ ऐड करना है, तो ये वाली फाइल को हम चेंज करेंगे, ठीक है। एडमिन पैनल देन व्यूज डॉट पी वाई, ये इसमें मेन है कि जो भी रिस्पांस है एचटीटीपी रिस्पांस है इसी पे आता है, या रिटर्न जो भी यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट करता है तो जो उसको यूजर को क्या रिस्पांस भेजना है ये वाली फाइल डिसाइड करती है। तो मतलब इसका क्या काम है व्यू का, व्हाट टू सी, व्हाट टू सी, ठीक है, कि यूजर को क्या शो करना है वो ये डिसाइड करती है। एक इसमें होती है फाइल टेस्ट डॉट पी वाई, आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए आपने जो भी आपने कोड वगैरह करके देखना है, कोई रफ कोड करना है, जो भी आपने टेस्ट के लिए करना है, आपने मेन उसमें ऐप में प्रोजेक्ट में नहीं ऐड करना, उसको टेस्टिंग के लिए करना है, डिबगिंग पर्पस के लिए, तो आप इस फाइल में वो कर सकते हो। देन एक होती है इसमें मॉडल्स डॉट पी वाई, मॉडल्स डॉट पी वाई, ठीक है। मॉडल जो है ना आपको इसमें एक होता है, इसमें एम टी वी स्ट्रक्चर होता है, एम टी वी चैनल वाला नहीं, एम टी वी इसमें होता है, जेंगो जो है एम टी वी फॉलो करता है, इट फॉलोस एम टी वी स्ट्रक्चर, ठीक है। एम टी वी स्टैंड फॉर मॉडल टेम्पलेट एंड व्यूज, ठीक है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है जेंगो का, इसमें आपको दिखा रही हूँ, मॉडल टेम्पलेट अभी सॉस बोर्ड नहीं है तो अदरवाइज, नहीं तो मैं आपको उसमें दिखाई थी बोर्ड पे तो कैसे काम होता है। इसमें जैसे ये वाली एक डायग्राम ली मैंने, ये तो हमारी इमेज एड्रेस, ये जैसे एक इमेज है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि मॉडल टेम्पलेट व्यू में क्या होता है। सबसे पहले हम एज अ यूजर, एज अ नॉर्मल यूजर वेबसाइट एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो हमने वेबसाइट बनाई हुई है जेंगो में, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट गई जेंगो के पास, जेंगो क्या करेगा उस रिक्वेस्ट को पहले यूआरएल में भेजेगा, मतलब URL ही URL में बताया था कि स्लैश एडमिन, मैंने पहले ही बताया आपको कि स्लैश एडमिन लिखा है उसने तो क्या रिटर्न करना है, स्लैश होम लिखा तो क्या कौन सा फंक्शन कॉल होगा क्या होगा। तो सबसे पहले URL के पास गया, URL जो होती है डायरेक्ट इंटीग्रेट करती है, वो करती है डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है व्यूज के साथ, मतलब व्यूज में इसमें होता है कि व्हाट टू सी, ठीक है, कि इसमें आपने यूजर को क्या दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे URL में जैसे उसने लिखा स्लैश एडमिन, तो वहां पे एक फंक्शन बना होगा व्यू में कि अगर स्लैश एडमिन लिखा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो व्यू में वो सभी फंक्शंस वगैरह बने होते हैं, क्लासेस बनी होती हैं जो यूजर को शो करनी है। तो व्यू में होता है व्यू, मतलब इसमें मेन फाइल व्यू होती है जो कि डिसाइड करती है कि यूजर को आपने क्या शो करवाना है। देन जो व्यू इंटरेक्ट करती है मॉडल और टेम्पलेट के साथ इंटरेक्ट करती है,
मॉडल में क्या होता है डेटाबेस कोड, और टेम्पलेट में होता है हमारा HTML हो गया, HTML, CSS, JavaScript, ये सब फ्रंट एंड का पार्ट हम टेम्पलेट्स में रखेंगे। क्लियर? मतलब व्यूज जो है, व्यू अगर तो यूजर ने कोई डेटाबेस की डिमांड करी, ठीक है, उसने उसको कोई डेटाबेस चाहिए, तो वो कहाँ पे जाएगी, व्यू फाइल मॉडल के पास जाएगी, और अगर उसने कोई HTML पेज की डिमांड की यूजर ने, तो वो HTML टेम्पलेट्स के साथ जाएगी। तो ये व्यू फाइल इंटरेक्ट करके दोनों के साथ, मॉडल के साथ और व्यूज के साथ, इसी में जो क्वेरीज लिखनी है डेटाबेस की, उस क्वेरीज को आपने जो भी यहाँ पे, जैसे आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी मतलब जितने भी यूजर्स हैं आपको वो एक HTML टेबल में लिखे, तो वो सारी चीजें जो कौन करेगी, वो व्यू फाइल करेगी। क्लियर है? जो यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी URL के पास, URL जाएंगे व्यूज के पास, और व्यू ही एक्चुअल में डिसाइड करेगी कि यूजर को क्या रिस्पांस शो करना है आपने। जो मेन पाइथन का कोड होगा वो इस व्यू फाइल के इनसाइड होगा। क्लियर है? इमेज को मैं सेव करवाया था सेम फोल्डर में जो हमारा मॉडल एम्प्टी भी है। बाकी इसके बारे में आप डिटेल थ्योरी आपने पढ़ना है, थ्योरी वाला पार्ट। चलो अब ऐप के अंदर आप देख सकते हो, इधर एक तो हमारी बनी है इनिट फाइल, एडमिन फाइल। एप्स में जितने हम एप्स बनाते हैं, आपने इस ऐप को किसी और ऐप के साथ कनेक्ट करना है, तो वो वाला कोड जो होगा एप्स में होगा। इसको कॉन्फ़िगर करना है तो वो ऐप वाली फाइल में हम करेंगे, और इसमें apps.py, ठीक है। और मॉडल टेस्ट व्यूज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और इसमें हम URL भी बना लेते हैं कई बार। मेन इसमें हम बना लेते हैं कि अगर इसके अंदर आपने URLs को कॉन्फ़िगर करना हो तो हम इसमें बनाएंगे वो। चलो जब हम करेंगे मैं आपको तब वो बताऊंगी, तब ज्यादा क्लियर होगा। तो मेन क्या किया है हमने आज, पहले सबसे पहले Xango को इंस्टॉलेशन करनी है आपने। इंस्टॉलेशन के लिए क्या था, pip install Xango, ठीक है, pip install Xango। जब Xango इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद एक फोल्डर के अंदर जाओ, फोल्डर के इनसाइड जाके आपने कमांड लगानी है Xango admin start project, प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट जब आप लगाओगे कमांड तो उसके प्रोजेक्ट में आपको एक फोल्डर बन जाएगा उस प्रोजेक्ट नेम का, और उसके इनसाइड manage.py फाइल होगी और ये सब फाइल्स मिल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, cd स्पेस प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। देन उसके बाद आपने करनी है python manage.py run server। ये करने के बाद आपको जो Xango का वेलकम पेज है वो शो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन हमने इसको कट कर दिया था सर्वर को कंट्रोल सी करके, क्योंकि हमने इसके अंदर एप्स बनाने थे। तो ऐप बनाने के लिए दो कमांड्स बताई थी मैंने आपको, एक तो थी python manage.py start app app name, सेकंड थी Xango admin start app और app का नेम। अभी हमने कौन सी से बनाया, python manage.py से बनाया था my app, सेम आप बना सकते हो Xango admin स्टार्ट ऐप एंड देन ऐप का नेम, मैंने यहाँ पे लिखा ऐप टू, एंटर। तो गैस कहाँ पे होगा ये ऐप टू, कहाँ पे बनेगा, सेम लोकेशन पे हमने इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है माई प्रोजेक्ट के इनसाइड। तो इसके अंदर ये देखो ये ऐप टू भी बन गया, और उसमें अगेन ये सारी फाइल्स मिल गई, ठीक है। तो आपने इसको करके देखना है, सभी कमांड्स को आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, स्काइप कर देना, ठीक है। और आपने जो ये वाली कमांड रन करके, सर्वर को रन करके, python manage.py run server में कमांड को लगा रही हूँ, python manage.py run server, मतलब जब ये वाले हो गया आपके पास आउटपुट ये आ गई,
तो आपने क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे स्काइप पे भेजना है, ग्रुप में ही भेज देना, आपने अपने इसमें ग्रुप में भेज देना, ताकि मुझे पता चले कि ये किसने किया है, कौन कौन किन किन का ये हो गया है पूरा कंप्लीट, और किसने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी है, बाकी कल करते हैं आगे का डाटा विस्तार।